हेलो एवरीवन, कल लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस हमने पढ़े, इसके अलावा आरएनए वर्ड के बारे में पढ़ा और एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। अब प्रूव हो चुका था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है। सबसे पहले ये जो जानकारी थी हमें वो इस्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से मिली, उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म से भी मिली जैसे प्लांट्स में और फिर ह्यूमन सेल्स में। लेकिन डीएनए जो है वो किस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के जरिए रेप्लिकेट होता है, इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैथ्यू मैसेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉहल ने परफॉर्म किया 1958 में। तो आज हम मैसेलसन और स्टॉहल का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को लेकर वो पढ़ेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्चीरिया कोलाई या ई कोलाई शॉर्ट पे कहते हैं, उन बैक्टीरियाज को एक ऐसे मीडियम में उगाया जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड था और नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटॉप था जिसको N15 के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसा हैवी आइसोटॉप है नाइट्रोजन का, या ये ऐसा सोर्स है नाइट्रोजन के लिए जो काफ़ी सारी जनरेशन्स तक बना रहता है। इसकी वजह से जो N15 था वो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए थे ई कोलाई के उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। अब ये जो हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल था उसको नॉर्मल डीएनए के मॉलिक्यूल से सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए सीसीएम क्लोराइड के अंदर एक डेंसिटी ग्रेडियंट के जरिए क्या किया गया, सेपरेट किया गया। उसके बाद इन सेल्स को, इन्हीं इकोलाई की सेल्स को पहले तो इन्होंने किस में उगाया, अमोनियम क्लोराइड में, लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटॉप लिया था। फिर इन्होंने इन्हीं सेल्स को एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जिसके अंदर नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था, नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटॉप था। और एक डेफिनेट टाइम इंटरवेल के बाद या अलग अलग टाइम इंटरवेल्स के बाद में क्या करते गए, वो सैंपल्स को लेते गए, यानी कि एक निश्चित समय के बाद जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाइड होती रही वैसे वैसे वेरियस टाइम इंटरवल्स पर वो उनके सैंपल्स को भी लेते गए और उन सैंपल्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते गए एज अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स के फॉर्म में ही। उन्होंने ये जो अलग अलग सैंपल्स थे वो सीसीएम क्लोराइड के ग्रेडियंट पर ही क्या किए, इंडिपेंडेंटली अलग किए। अब ये चीज़ जो है इन्होंने यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट की है और बहुत अच्छे से यहाँ समझ आ रही है। हाँ देखो, पहले हम ये थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर इस डायग्राम को समझते हैं। अब क्या हुआ कि जो डीएनए ये एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हर एक कल्चर से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो कि N15 से N14 मीडियम पर ट्रांसमिट की गई थी, तो उनको एक डेफिनेट टाइम के बाद में हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटीज उनकी मिल रही थी। अब देखो किस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये एक डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है जो ई कोलाई नाम के एक बैक्टीरिया से इन्होंने निकाला है। कब निकाला, जब इन्होंने उस ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को एक कल्चर पर ग्रो किया, उस कल्चर के अंदर अमोनियम क्लोराइड था और नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप था। अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं तो वो नाइट्रोजन उन नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, है ना। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी सेल जो होती है वो हर एक 20 मिनट्स के बाद डिवाइड होती रहती है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के बाद एक नई कॉलोनी बना लेता है, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स के बाद, जैसे पहले शुरुआत में निकाला होगा, या यूँ कह लो कि आप 20 मिनट से भी कंफ्यूज मत हो, आप सीधा ये सोचो कि ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जिसको उन्होंने एक कल्चर मीडियम पर ग्रो किया है जिसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, उसका एक नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप है। एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हुआ, वो नाइट्रोजन जो था वो उनके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, जो कि काफ़ी जनरेशंस तक एक सोर्स रहेगा नाइट्रोजन का। अब उन्होंने इसको एक रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन दी है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दोनों ही में क्या है, दोनों ही हेलिक्स के अंदर N15 इनकॉर्पोरेट है जो कि रेड कलर से शो कर रखा है। अब इसी कोलाई को उन्होंने क्या कर दिया, एक नॉर्मल मीडियम में ट्रांसमिट कर दिया जिसके अंदर
नाइट्रोजन का एक नॉर्मल आइसोटॉप था जिसको N14 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा ये, तो 20 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया, दूसरी कॉलोनी बनाई। तो उसके अंदर से जो नाइट्रोजन इन्होंने निकाला वो इनको कौन सा मिला, हाइब्रिड तरह का मिला। 20 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, दोनों स्टैंड खुले, दोनों रेड अलग हो गए, और उसके ऊपर क्या हुआ, एक नया न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बना जो कि क्या था, ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। यानी रेड तो N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हाइब्रिड DNA की फॉर्मेशन ये यहाँ पर कर रहा है या एक इंटरमीडिएट डेंसिटी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से इनको 40 मिनट्स के लिए आगे डिवाइड होने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो 40 मिनट के बाद इन्होंने ये लिया, 40 मिनट यहाँ पर इस शो किए हैं 20 प्लस ये 20, यानी कि ये तो कब हुई है शो इनकी, ये तो 20 मिनट्स के बाद ही शो हुई होगी। अब क्या होंगे, ये हम एक एक को अगर देखें तो ये वाले DNA को हम पहले लेते हैं, केवल ये वाला ही, तो ये क्या होंगे, इसके दोनों हेलिक्स खुलेंगे, रेड अलग हो जाएगा और ग्रीन अलग हो जाएगा, ये रेड अलग हो गया, ये ग्रीन अलग हो गया। अब ये नॉर्मल मीडियम में ही होने की वजह से वापस इन पर क्या बन गए, ग्रीन। ऐसे ही इसका भी रेड अलग हो गया और इसका भी ग्रीन अलग हो गया, तो दोनों पर वापस क्या बन गए, ग्रीन। यानी कि कहने का कि इस फर्स्ट बैक्टीरिया के 40 मिनट के बाद अगर हम देखें तो क्या मिली इसको, ये तो इस, ये जो थी वो इस बैक्टीरिया की फर्स्ट जनरेशन थी, और ये जो है वो इसकी क्या है, सेकंड जनरेशन है। तो आफ्टर 40 मिनट जब हम देखते हैं तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ पर उनको क्या मिले कि इक्वल अमाउंट में मिले DNA, यानी कि उनको हाइब्रिड भी मिलेंगे और उनको लाइट DNA भी मिलेंगे, ठीक है। अब आप इसी तरह से क्या करो, चाहे तो आगे कर सकते हो कि इन्हीं को आगे और बढ़ाइए। अब आप इनको क्या कर देंगे, अगर हम डायरेक्ट आप 80 कह रहा है वो, अब हम चाहे तो 20 मिनट्स के बाद डिवाइड होती है तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 20, तो इसका 20 का मतलब क्या हो गया, वो 60 हो जाएगा, है ना। फिर आगे अगर हम 20 और ऐड कर दें तो वो 80 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि अगर हम ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को 80 मिनट्स के लिए आगे देखें ग्रो करके, तो आपको लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी के जो DNA के मॉलिक्यूल होंगे उनकी आपको क्या प्रोपोर्शन मिलेंगे, वो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है। इसी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो आगे भी किए गए, है ना, जहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया, है ना, न्यूली सिंथेसाइज DNA के अंदर उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, जो कि किसके ऊपर किया गया, वीसिया फेबा नाम के एक प्लांट पे किया गया जिसको फेबा बीन्स भी कहा जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो था वो टेलर एंड कलीग्स ने 1958 के अंदर किया, और इन एक्सपेरिमेंट्स ने भी यही प्रूव किया कि जो DNA होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो मैथ्यू मेसेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल के जरिए दिया गया था। इस पर क्वेश्चन भी आता है, है ना, एक्सप्लेन भी आता है, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको इसमें आती है, तो ये आपको करना है लर्न पूरा अच्छे से, इसमें दे भी रखा है, डायग्राम भी आपको बता रखा है। फिर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने इसके अंदर दिया है, वो है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। यानी कि इन्होंने इस टॉपिक के अंदर आपको ये बताया है कि जो DNA का रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिवली DNA क्या करता है, रेप्लिकेट होता है, तो वो रेप्लिकेट कैसे होता है, और रेप्लिकेट होने के साथ साथ उस DNA के अंदर जो है वो कौन से एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम करते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है आपको। देखो, जो लिविंग सेल्स होती है जैसे कि ई कोलाई, वहाँ पर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उसको कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए। उन एंजाइम्स को हम कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जो मेन एंजाइम इसके लिए चाहिए वो है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है वो DNA की टेम्पलेट को ही यूज़ करता है, या यूँ कह लो आप DNA की टेम्पलेट को यूज़ करता है या कैटालाइज करता है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन के लिए। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज्ड करते हैं, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन बहुत कम समय के अंदर ये कर लेते हैं। जैसे कि ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर 4.6×10^6 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग से उनको कंपेयर करें तो, यानी कि ह्यूमन बींग्स के डिप्लोइड कंटेंट से उनको अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बेस पेयर का डिप्लोइड कंटेंट है वो है 6.6×10^9। तो जो ई कोलाई के अंदर ये 4.6×10^6 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, उनको भी ये एंजाइम जो है वो 38 मिनट्स के अंदर पूरी तरह से रेप्लिकेट कर देता है।
तो इसके हिसाब से अगर हम जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन की अगर हम उसको देखें तो वो कितनी होगी, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड है, यानी कि ये एंजाइम क्या करता है पर सेकेंड 2000 बेस पेयर्स की फॉर्मेशन या उनका पॉलीमराइजेशन कर देता है। ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन केवल फास्ट तरीके से नहीं होता है, से ही नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसको बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ भी करते हैं। इतनी तेज गति से करने के साथ साथ उनके अंदर एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी पाई जाती है, इतने एफिशिएंट हैं ये एंजाइम इस काम को करने के लिए। अगर इनके अंदर कोई मिस्टेक होती है रेप्लिकेशन के दौरान तो उसकी वजह से क्या होते हैं, फिर म्यूटेशंस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो एनर्जेटिकली भी ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफोस्फेट जो होते हैं वो उनके लिए ड्वेल पर्पस का काम करते हैं या ड्वेल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, अब ये ड्वेल फंक्शन जो क्या है इनका, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट्स का, इनका ड्वेल फंक्शन क्या होता है, ये एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं डीएनए को बनाने के लिए, और दूसरा ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन जो है वो एनर्जेटिकली अगर हम देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जिस तरह से एटीपी के अंदर टू टर्मिनल फॉस्फेट पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इनके अंदर भी, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट के अंदर भी क्या होते हैं, हाई एनर्जेटिक टर्मिनल टू टर्मिनल फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनको इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, ये पैराग्राफ बहुत इजी सा पैराग्राफ है, एक बार हम दोबारा से इसका क्विक रिव्यू फिर देख लेंगे, है ना। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हैं और बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इसको कंप्लीट भी करते हैं। अब इनमें होता कैसे है, देखो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो टोटली एक दूसरे से क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, क्योंकि एक साथ अगर ये एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, फिर बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, है ना। इसीलिए ये एक साथ टोटली क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, ये नीचे से क्या होता है इनका जो डबल हेलिक्स है वो धीरे धीरे ओपन होता है, यानी कि इनके अंदर स्मॉल ओपनिंग से इसकी शुरुआत होती है, उस स्मॉल ओपनिंग को रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जाना जाता है, धीरे धीरे नीचे से क्या होता है वो खुलता है। और जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज है वो ये पॉलीमराइजेशन को केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर कैटालाइज कर सकता है, वो डायरेक्शन होती है 5-2-3 की। ठीक है, इसकी वजह से कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और जब ये पॉलीमराइजेशन केवल 5-2-3 डायरेक्शन के अंदर करता है तो इसीलिए क्या करता है, ये उस टेम्पलेट को पहले चूज़ करता है जो 3-5 डायरेक्शन के अंदर हो, और वहाँ पर अपने प्रोसेस को कंटिन्यूटी के साथ में ये करता रहता है। जैसे कि अगर आपको मैं समझाऊं तो ये देखो, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आपको ये डायग्राम, आप ये देखो ये डबल स्टैंड था ब्लू कलर से जो इन्होंने शो किया है, ये नीचे से धीरे धीरे खुला। अब ये 5-2-3 डायरेक्शन में काम करेगा तो इसीलिए क्या करेगा, ये उस स्टैंड को चुनेगा जो 3-5 डायरेक्शन में जाती है, तो ये 3-5 डायरेक्शन में जाती है और ये अपना काम कहाँ करेगा, 5-3 के अंदर करेगा, तो कंटिन्यूशन में क्या होता रहेगा या न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टैंड को जो होता है वो जिसके कि अंदर कंटिन्यूस काम होता है उसको लीडिंग स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो दूसरा डायरेक्शन है जहाँ पर शॉर्ट फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में काम होता है, यानी कि जो दूसरी बची, दूसरी कौन सी बची, 5-3, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टी प्रोसेसिंग चलती है, क्योंकि काम तो कैसे होगा 5-3 में ही होगा, तो उसकी शुरुआत इस तरह से होगी, तो ये पेरेंटियल स्टैंड क्या कहलाती है, इसीलिए ये लैगिंग स्टैंड के नाम से जानी जाती है। और ये जो रेप्लिकेशन होता है इनके अंदर लैगिंग स्टैंड्स के अंदर, उसके अंदर स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट्स बनते हैं। देखो यहाँ तो कंटिन्यू के लिए इन्होंने लॉन्ग एरो बना रखा है, जबकि यहाँ पर इन्होंने क्या बना रखा है, शॉर्ट एरो बना रखे हैं, है ना। और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनके बारे में आर ओकाज़ाकी ने बताया था,
इसीलिए इनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। और बाद में ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो डीएनए लाइगेस नाम के एक एंजाइम्स के जरिए क्या होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक ये भी है यहाँ पर कि जो डीएनए का ये रेप्लिकेशन होता है वो रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है ना, उनको एक डेफिनेट रीजन चाहिए होता है जहाँ से ये रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, उस रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, जहाँ से अगर मान लो कोई भी डीएनए का नया पीस लाइगेट करते हैं तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स के दौरान, तो इस काम के लिए उनको क्या चाहिए होता है, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ही उनको क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। ये बात तो है जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किए जाते हैं उन प्रोसीजर्स की, लेकिन ये तो जो नॉर्मल हो रहा है वहाँ से तो एक डेफिनेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और वैसे इसके बारे में यहाँ लिखा भी है, फर्दर नॉट वेरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, इसके अलावा कोई अधिक जानकारी इन लोगों को भी रेप्लिकेशन के बारे में भी पता नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की एस फेस के दौरान देखा गया है ना, और जो डीएनए का रेप्लिकेशन है या सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन साइकिल जो होती है, ये दोनों ही काम बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, पढ़ा है आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन है ना। और अगर सेल डिवीजन के अंदर कोई फेल्योर हो जाए डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी की एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन जो ये पॉलीप्लॉइडी है या जो क्रोमोसोमल एनॉलमी है, इसके बारे में जो है आप डिटेल में या नेचर ऑफ ओरिजिन के बारे में या इसके प्रोसेस के बारे में आप आगे फर्दर हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो क्या था, एक तो था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किसने दिया, मैथ्यू मेसेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉहल ने दिया, सिंपली ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के थ्रू, जब उन्होंने उन बैक्टीरिया को किस पर ग्रो कर किया है, कल्चरल मीडियम के ऊपर, एक बार तो ग्रो किया उस कल्चरल मीडियम के ऊपर जहाँ पर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप था, और फिर उन्होंने ग्रो किया उसको नॉर्मल मीडियम के ऊपर, और डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो डीएनए के सैंपल्स को लेते गए और उनको देखते गए वो कि किस तरह से क्या हो रहे हैं, वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स होते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेस और हेलिकेस। ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर, ये जो सारे एंजाइम्स ही होते हैं, पहले तो यूँ देखिए आप, ये बहुत ही फास्टली काम करते हैं, एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाते हैं, ये बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है एक। ठीक है, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अपना काम 5-2-3 डायरेक्शन में करता है। हेलिकेस नाम का जो एंजाइम होता है वो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और डीएनए लाइगेज जो होता है वो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के दौरान बनते हैं, इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफोस्फेट जो होते हैं वो रेप्लिकेशन के दौरान ड्यूअल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी वो सब्सट्रेट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं और एक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। और एक था ये जो मतलब टॉपिक दिया है आपको, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, जहाँ पर आपको रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है, डीएनए लाइगेस का काम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये सब कुछ बताया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।